देखा एक सपना, हीरोइन बन यार, कितना पुराना सपना साल। सपने में मैंने सैकड़ों बार देखे टाइटल्स एंड माही बबलू महा। सपने को साकार करने की खातिर क्या क्या तो किया, बीज पड़ गया है, दो जखी ताकतें उसकी हिफाजत करेंगी और ये पौधा जरूर बनेगा। झूठ, एकदम झूठ, तुम बिल्कुल बेईमान आदमी हो, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं। मुझ पर कोई भरोसा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी भरोसा नहीं। साले तू है कौन ना, तू है कौन, यू ब्लडी बास्टर्ड। सुनिए तो मेरी बात। क्यों सुनूं तेरी बात, क्यों समझूं तेरी बात, हाँ? और मैं वही समझ रही हूँ तब से जो तू समझाए जा रहा है भाई। अब तू निकल यहाँ से, निकल। समझ नहीं रही है, मैं कह रहा हूँ। क्यों समझूं तेरी बात और क्यों मैं सुनूं तेरी कोई भी बात, हाँ? और तू लड़की देखने आया है, खरीदने आया है, तू हर तरीके से मुझे चेकआउट कर रहा है, हाँ? अब समझ नहीं रही, मैं कह रहा हूँ ना। क्या कह रहे तू, हाँ क्या कह रहे? कोई बात नहीं सुननी मुझे तेरी, और ना ही मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब दू। तू मुझे रिजेक्ट करेगा, हाँ मुझे रिजेक्ट करेगा तू, और गोरापन कहाँ से गोरी होनी चाहिए लड़की, बता मुझे। अरे मेरा मतलब था कि आप पूरी की पूरी गोरी हैं। अफेयर्स, हाँ अफेयर्स जानने हैं ना तुझे। सुन बेटे, सात सात अफेयर्स थे मेरे और सातों को ना एक साथ जवाब देती थी मैं, हल्के में लिया हुआ है मेरे को, दो को मैंने छोड़ दिया, चार को आपस में भिड़वाया, बचा एक पूछ कौन। वो कुत्ता भागा, मैं उसके पीछे भागी सर। फिर वो कुत्ता भागा, मैं उसके पीछे भागी, भागते भागते उसके मुंह से ना रोटी गिर गई और मैंने वो रोटी से लपक के पकड़ ली और साहब उस दिन ऐसा लगा साहब कि किसी ने धरती और आकाश पे ये लिख दिया है कि देख रे मुन्नी, अगर जीना है तो मारना सीख, अगर जीना है ना मुन्नी तो छीनना सीख। ऐसा लगता है साहब तुम अपने आप को मजनू समझ रहे हो। तुम्हें हीरो समझ रहा हूँ। Such a dumb you are. तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मजनू की गर्लफ्रेंड का नाम लैला था, इट वॉज नॉट हीर, ओके? शकल, हाँ? शकल पे आ गए और वो सब दिन भूल गए, हाँ? जब रोज मेरी खिड़की के नीचे आते थे, सीढ़ियां बजाया करते थे, गजलें गाया करते थे, बड़े गुरदास मार, हाँ? मुझे पता क्या करना पड़ता था स्कूल में, शाम ढलने ये खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। सेठ धर्मपाल के पास जाकर इन्होंने अपनी माँ के पैसे और जेवरात मांगे जो उनकी सेफ में अमानत के तौर पर रखे हुए थे। सेठ धर्मपाल धीरे धीरे खड़े हुए और बोले, बेटी रात का वक्त ही ठीक रहता है काला दल ले जाने के लिए। ये कहकर उन्होंने अपना सेफ खोला, उसमें से रुपए निकाले और ब्रीफकेस में रखे और फिर इन्हें देते हुए बोले, ये लो बेटी तुम्हारी अमानत। और हाँ मिलो, फिर ये रिवॉल्वर देते हुए बोले, ये तुम्हारी माँ के नाम का है, इसे भी अपने पास रख लो। एक हाथ में ब्रीफकेस, दूसरे हाथ में रिवॉल्वर और सेफ में रखे हुए अनगिनत रुपए, मिलोर्ड उसे देखकर मिस कृष्णा जी की नियत डोल गई। इन्होंने रिवॉल्वर की नोक पर सेठ धर्मपाल से रुपए हथियाने की कोशिश की, जब सेठ धर्मपाल ने इनकार कर दिया तो इन्होंने धाए।
वक्त आ गया है कि नफरत और मजहब की तुच्छ दीवारें तोड़कर हम एक साथ मिल जाएं। मातृभूमि की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, हमें सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। मगर मुझे अपने आप पर कैसी बातें करते हैं? मैं आपकी योग्य कहां हूं? आप महान हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, पैसे का क्या है? मैं पैसे की भूखी नहीं हूं। आपकी कला और उन्नति में हाथ बटाने को मिल जाए, यही क्या कम है? आप चाय ले आओ। बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां, सह लूं साथिया। से इतनी खफा नहीं Subscribe it, love it and share it. Notification के लिए bell icon जरूर दबाएं। और हाँ, you can also follow us on Instagram, Twitter and Facebook. Thank you. Love you.